फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्केल्पिंग स्ट्रेटजी, आज अपन इसके बारे में भी बात करने वाले हैं और साथ में जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सब कुछ, कि किस तरीके से काम करता है, अपन इसे किस तरीके से यूज करके एक स्केल्पिंग स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं और छोटा मोटा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मतलब कि 30-40 पॉइंट अपन इससे निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, सबसे पहले तो अपन यही जान लेते हैं, बाकी मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर ले जाके सब कुछ लाइव दिखाने वाला हूं। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, आप लोगों को ये पता है कि मार्केट कभी भी एकदम ना तो सीधा चलता ना ही एकदम से नीचे आता है, ये आप लोगों को पता है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि मार्केट जिगजैग फॉर्म के अंदर चलता है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, मतलब कि जिगजैग पैटर्न को फॉलो करता है मार्केट। ठीक है, मार्केट ऊपर गया मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। लेकिन सर यहाँ पे दिक्कत हमारे सामने ये आ जाती है कि हमें यहाँ पे सर प्राइस एक्शन भी देखना आता है, हमें सब कुछ देखना आता है सर, हमें इंडिकेटर भी देखना आता है यहाँ पे, हमें डाटा भी देखना आता है सर यहाँ पे। लेकिन हमारे सामने सर दिक्कत ये आ रही है कि हम अपनी एंट्री नहीं बना पाते कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है या फिर नीचे आया फिर ऊपर गया है, तो सर हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाना भूल जाते हैं, हम यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाते। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, मार्केट आप लोगों को फिर से मौका देता है, फिर से चांस देता है एंट्री बनाने का। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होता है उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है कि भैया बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजिशन नहीं बना पाई, तो मार्केट फिर से उन्हें दोबारा से मौका देता है कि आप लोग अपनी पोजिशन बना लीजिए। लेकिन ये दिक्कत आ रही है सर हमारे सामने, कहीं यहाँ से मार्केट नीचे आ गया तो हमारे तो सारे पैसे डूब जाएंगे, हमारा तो लॉस हो जाएगा बहुत तगड़ा, हमें तो ये पता ही नहीं कि मार्केट कहां तक नीचे आएगा। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के सामने यही है कि हमें पता नहीं होता कि मार्केट कहां तक नीचे आएगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा तो मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है तो मार्केट कहां तक नीचे आएगा। ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने पास में एक ऐसा टूल है जो कि आप लोगों के सामने फ्री में अवेलेबल है और उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको यूज करके आप लोग स्केल्पिंग भी कर सकते हो। वो कैसे करना है वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ भी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लो भैया मार्केट नीचे आया मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया मार्केट ऊपर गया। अब बहुत से लोगों ने सर नीचे की तरफ पोजिशन नहीं बनाई, वो भूल गए, उनसे किसी भी कारण से मान लो एंट्री बनाना छूट जाता है, तो ये मार्केट आप लोगों को भैया दोबारा से मौका देता है, क्योंकि मार्केट जिगजैग फॉर्म के अंदर चलता है। तो मार्केट आप लोग यहाँ पे दोबारा से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, एंट्री बना सकते हो, इसलिए मार्केट दोबारा से, क्योंकि बहुत से लोगों ने सर एंट्री नहीं बनाई। तो अब ये देखना है कि सर हम दोबारा से एंट्री बना तो लेंगे, लेकिन मार्केट कहीं यहाँ से नीचे ना आ जाए तो हमारा तो लॉस हो जाएगा सर। इससे बचने के लिए सर एक बार हमें कुछ बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए इससे बचने के लिए आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं, वो अभी मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर बताऊंगा, आप लोग चार्ट के ऊपर आ जाइए। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर दिया, मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर लेके आ गया। अभी मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, मान लो 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.5 हो गया, 0. ये ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर, वो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये कहने का मतलब एक्चुअल में ये नंबर्स है क्या, देखिए लाइन होगी, मान लो ये भी है, ये 0.2 वाली लाइन हो गई, ये 0.3 वाली लाइन हो गई, ये 0.5 वाली लाइन हो गई। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहले तो यहाँ पे रजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ पे रजिस्टेंस नहीं ले पाया तो मार्केट दोबारा से यहाँ पे रजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। एक तरीके से ये मान सकते हैं कि भैया ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इसको एक बार आप लोगों को मैं अप्लाई करके बता देता हूं और वो नंबर्स भी दिखा देता हूं जो मैं अभी आप लोगों को यहां पे दिखा रहा था। मेरा लैपटॉप करेक्ट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोगों को यहां पे जाना है, यहां पे जाने के बाद में आप लोगों को ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, या फिर आप ऑल्ट और F3 दबा सकते हो। मैं यहां पे इसको क्लिक कर लेता हूं। अब इसको लगाने की बारी आती है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, बहुत से लोगों को इसको लगाने नहीं आता। सर इसको लगाना कैसे होता है, देखिए अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है, मतलब कि नीचे की तरफ में आता है, कहने का मतलब ये है कि इसको लगाने के लिए अपने को लो और हाई को कनेक्ट करना पड़ता है। अगर मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो भैया ये लो मैंने लो कनेक्ट कर दिया और मैंने ये हाई कनेक्ट कर दिया, बस इतना सा करना। मान लो ऊपर से यहां पे मैंने इसको लो कनेक्ट कर दिया और ये मैंने इसका हाई कनेक्ट कर दिया, बस ये करना है अपने को। लेकिन ये तो अभी आप लोगों को आसानी से दिख रहा है सब कुछ, लेकिन सर जब मार्केट चालू होता तब हम इसको अप्लाई कैसे करें, मतलब मान लो इसको मैं एक बार मिटाता हूं,
कि सर मान लो मार्केट अभी चालू है, देखिए मार्केट ने लो बनाई है, ये लो मैंने भैया लो तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन सर मान लो मार्केट भैया इस कैंडल के अंदर अभी फिलहाल मार्केट चालू है, ये कैंडल बनना चालू है, तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी तक मेरे सामने हाई यही बनाया है, मार्केट ने जो हाई बनाया है वो अभी तक यही बनाया है, क्यों? क्योंकि ये कैंडल तो बन रही है, आप लोग तो इन कैंडल्स को भूल जाइए कि ये तो मान लो बनी नहीं, अभी तक मार्केट फिलहाल चालू है, तो आप लोग ये देखिए भैया ये कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है, तो मार्केट ने लो कहां तक बनाया था, वो हाई कहां तक बनाया था, ये वाला, तो मैं यहां पे इसके ऊपर कलेक्ट करूंगा, मतलब कि यहां से यहां तक मैं इसको खींच के लाऊंगा। चलिए मैं एक बार आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ यार, ठीक है, ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना रहे। देखिए लो को मैं यहाँ पे लो को कनेक्ट करूंगा, लो के ऊपर मैं लेके आऊंगा यहाँ पे इसको, और ये लो मैंने यहाँ से यहाँ तक, मार्केट ने हाई यही बनाया था ना, ये लो मैंने यहां से यहां तक इसको लगा दिया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख रहा है। देखिए मैंने वो नंबर्स बताए थे, 0 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.5 हो गया, ये नंबर आप लोगों को यहां पे दिख रहे हैं। अब कहने का मतलब क्या है और इसे अपन कैसे यूज करेंगे, अब अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए मार्केट यहां से यहां तक आया, मान लो आप लोगों ने भैया नीचे की तरफ पोजीशन नहीं बनाई, अब मार्केट यहां से यहां तक ऊपर गया ये लो, लेकिन सर हम तो यहां पे एंट्री बनाना भूल जाते हैं, हम तो यहां पे कोई एंट्री प्लान नहीं करते यहां से यहां तक, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों ने ट्रेंड लाइन प्लॉट की है, मार्केट भी अप ट्रेंड के अंदर है, मार्केट यहां से यहां तक गया है, लेकिन सर हम यहां पे अपनी एंट्री बनाना भूल जाते हैं, तो आप लोग दोबारा अपनी एंट्री कहां पे बनाओगे, जब मार्केट रिट्रेस्ट करने आता है, क्यों? क्योंकि मार्केट जिग-जिग फॉर्म में चलता है, याद है आप लोगों को, तो इससे घबराना नहीं है, ये तो रिट्रेस्ट हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस्ट कर रहा है, जो कि अपने लिए गुड है, अपने लिए वेल एंड गुड है, क्यों? क्योंकि मार्केट रिट्रेस्ट करता है उसके बाद में ऊपर जाता है, तो मार्केट तगड़ा प्रॉफिट देता है। तो आप लोग देखिए भैया मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया यहां तक, ये लो ये पहला तो भैया 0.2, 0.3 और 0.5। देखिए जो 0.5 वाला जो नंबर है ना, ये अपने लिए सबसे तगड़ा काम करता है, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस का, और ऊपर से नीचे आता है तो भैया सपोर्ट का, तो ये तगड़ा काम करता है अपने लिए 0.5 नंबर वाला। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो मैं हल्की सी मान लो भैया मैं पी साइड में पोजिशन बनाऊंगा और छोटा मोटा प्रॉफिट स्कैल्पिंग लेके निकल जाऊंगा। मैं यहाँ पे बड़ी पोजिशन क्यों नहीं बनाऊंगा, बड़ी देर तक मतलब कि लॉन्ग टाइम तक मैं यहाँ पे पोजिशन नहीं रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा, क्यों? हो सकता है भैया मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, मार्केट यहाँ से ले लेगा, तो मैं यहां पे सिर्फ स्कैल्पिंग ही करूंगा अगर नीचे की तरफ में होगा तो। हां अगर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो भैया मैं अपनी पोजीशन को बनाए रखूंगा, लंबे टाइम तक मैं अपनी पोजीशन को बनाए रखूंगा। तो यहां पे मेरे को दिखता है भैया ये लो नीचे आया, इस रेंज के अंदर आ चुका है, जो ग्रीन कलर की आप लोगों को रेंज दिख रही है ना, ये भैया 0.5 वाले की। तो अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा तो भैया मैं तो डेफिनेटली पोजीशन बनाऊंगा। तो यहां पे देखिए भैया ये रेड कैंडल यहां तक आती है, मैं इसको मिटाता हूं, रेड कैंडल यहाँ पे इस रेंज के अंदर आ चुके हैं, यहाँ से भैया ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, चलिए ठीक है, अगली कैंडल भी भैया ग्रीन कलर की बनी है, लेकिन सर हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए क्या? भैया नहीं बनानी, मैं हर वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ कि आप लोगों को अपनी पोजीशन तब बनानी है जब पिछले वाली कैंडल के हाई को ब्रेक कर चुके हो नेक्स्ट कैंडल। अब मेरे को यहाँ पे दिखता भैया यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, लेकिन क्या दूसरी वाली कैंडल जो इसके हाई था वो इसको ब्रेक कर पाई है? ये देखो ये इसका हाई था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, क्लोजिंग नहीं कर पाई, तो मैं यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं करूंगा, मैं प्लान करूंगा इस कैंडल के अंदर की भैया ये देखो दूसरी कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर रही है, क्लोज कर रही है, तो मैं ऊपर के साइड में पोजिशन बनाऊंगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे लॉस दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कैंडल नीचे की तरफ बनी है, लेकिन मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मार्केट भैया इस रेंज के अंदर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जो कि बहुत तगड़ा काम करता है मार्केट के अंदर। चाहे आप लोग बैक टेस्टिंग करना, जितना आप लोग चाहो उतना बैक टेस्टिंग करना, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर से मार्केट सपोर्ट लेता है तो वो डेफिनेटली आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। मैं इस कैंडल के अंदर अपनी पोजीशन बनाऊंगा, पहले तो यहां पे मेरे को लॉस दिखता है, लेकिन मैं अपनी पोजीशन को नहीं काटूंगा, क्योंकि मेरे को दिखता है कि मार्केट ने यहां पे सपोर्ट ले लिया है, मैं स्टॉप लॉस के साथ में तो काम करूंगा लेकिन मैं पोजीशन को नहीं काटूंगा, और यहां से यहां तक का प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो। नीचे की तरफ मैं पी साइड में बात करूं तो जब भी 0.5 वाले इस रेंज को तोड़ेगा तो भैया मैं छोटी सी पोजीशन बनाऊंगा 20 से 30 पॉइंट या फिर 15 से 20 पॉइंट की, मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करूंगा, ज्यादा देर तक अपनी पोजीशन को नहीं रोकूंगा, क्यों? क्योंकि मार्केट भैया यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहां से तो ले सकता है, तो मेरे को भैया रिस्क लेना ही नहीं है, मैं रिस्क से काम खेलता ही नहीं हूं। अगर यहाँ पे भैया मेरे को तोड़ता हुआ दिखता है तो भैया मैं 20 पॉइंट के लिए यहाँ पे रुकूंगा, फिर निकल जाऊंगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया। देखिए आप लोग जितना चाहो उतना बैक टेस्टिंग कर लो, एक छोटे से बैक टेस्टिंग और करवाना चाहूंगा मैं आप लोगों को, आ जाइए आप लोग। देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखता है, मार्केट भैया नीचे आता है ये लो,
मार्केट नीचे आता, सर हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाना भूल जाते हैं, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना भूल जाते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये लो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, सर हम यहाँ पे आते हैं इस कैंडल के अंदर, मार्केट के अंदर आते हैं, हम इसके अंदर आते ही नहीं है, हम तो अब पोजीशन बनाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट नीचे है, रिटेस्ट कर रहा है, अब सर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को नीचे की तरफ लगाते हैं और देखते हैं कि मार्केट दोबारा से, क्यों, क्योंकि ये एक कैंडल इतनी बड़ी बनी है, हम अपनी पोजीशन बनाना भूल जाते हैं। तो एक बार सर हम ये कर लेते हैं कि एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के देख लेते हैं कि मार्केट दोबारा रिटेस्ट कर रहा है और 0.5 वाली रेंज तक आ रहा है, तो हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो यहां पे मैं एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेता हूं, ये लो, मैं यहां पे आता हूं और मेरे को दिखा कि भैया मार्केट यहां से यहां तक ऊपर गया, लेकिन मेरे को पता है ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड नीचे की तरफ है, क्यों, क्योंकि बहुत तगड़ा मार्केट नीचे आया है, तो मैं नीचे की तरफ भी पोजीशन बनाऊंगा। अब यहां पे मेरे को दिखता है या क्या खतरनाक कैंडल बनी है, रेड कलर की एक कैंडल, तो मैं यहां से यहां तक की, क्यों, क्योंकि यहां पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, मतलब कि मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, तो कहां तक रिटेस्ट करेगा यह भी देखना अपने को। तो मैं यहां पे इसको प्लॉट करूंगा, येलो येलो और यहां से यहां तक, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए मार्केट यहां से यहां तक मैंने इसको लाया और यहां पे मार्केट रिटेस्ट करने ऊपर जा रहा है, देखिए कहां तक मार्केट ने रिटेस्ट किया इस रेंज के अंदर, ये लो 0.5 वाली रेंज के अंदर ने मार्केट ने रिटेस्ट किया है, मार्केट इसको नहीं तोड़ पाई, कैंडल इसको नहीं तोड़ पाई और दूसरी कैंडल रेड कलर की कैंडल बनी है, मैं डेफिनेटली अपनी पोजिशन बनाऊंगा और यहां से यहां तक का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। आप लोगों के सामने कर रहा हूं मैं, जस्ट पीछे वाली डेट के अंदर मैं आप लोगों को बैक टेस्टिंग करवा रहा हूं कि भैया मार्केट ओवरऑल नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, अब दोबारा से मार्केट यहां पे भैया रिटेस्ट कर रहा है मार्केट, तो मैं देखूंगा कि भैया मार्केट कौन सी रेंज के अंदर मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, अगर 0.5 वाली के अंदर मार्केट रिटेस्ट कर रहा तो मैं डेफिनेटली पोजिशन बनाऊंगा। मेरे को दिखा भैया इस रेंज के अंदर आकर मार्केट ने भैया रिटेस्ट किया है, मार्केट इसको नहीं तोड़ पाई, कैंडल इसको नहीं तोड़ पाई, तो भैया मैं नीचे की तरफ पोजिशन बनाऊंगा और आप लोगों को दिखता मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है। आई होप आप लोगों को जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था इसके बारे में समझ में आया, काफी सिंपल सा टूल है, बस आप लोगों को थोड़ा इसको लगाना ध्यान से, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगाना नहीं आता, यूज करना आता है लेकिन लगाना नहीं आता, तो आप लोगों को बस क्या करना है कि भैया लो को लो टू हाई, और ये बात कर रहा हूं मैं ऊपर से नीचे की तरफ, बात करूं मैं नीचे की तरफ, मान लो लो टू हाई, ठीक है, ये अपने को यहां पे लगाना है। आई होप आप लोगों को इसको लगाना कैसे ये भी समझ में आया, तो इस वीडियो को शेयर भी करना है। देखिए आप लोग अगर ज्यादा प्रॉफिट इससे नहीं उठाना चाहते, अगर आप लोगों को इसको ज्यादा यूज नहीं करना, तो आप लोग इससे स्कैल्पिंग कर सकते हो आसानी से, ये 20 से 30 प्रॉफिट आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे, आराम से आप लोगों को ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लोगों को प्रॉफिट देगा, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर अपन इसके बारे में और भी बात करने वाले हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि जो लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें ऐसी वीडियो देखने को मिले। बाकी चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।